बैक टू द माई चैनल। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रचना है जिससे कि 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं, तो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो आप कहीं मत जाइए और आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ठीक है। तो इसमें जो क्या है कि बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो हमें केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रचना है, और हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो रचना है वो है परशुराम की परीक्षा। तो परशुराम की परीक्षा किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। एक बार ध्यान से देखिए, परशुराम की परीक्षा किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। रामचंद्रिका केशव प्रसाद का। रामचंद्रिका किसका है? केशव प्रसाद का। अनामिका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है ये अनामिका, जो किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। और पथिक जो है कि राम नरेश त्रिपाठी जी का है। और अगला है ललित लाम किसका है? तो मतीराम। ललित लाम किसकी रचना है? तो उसका है मतीराम का, ठीक है। और अगला है लोकायतन, ठीक है, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत का। और अगला है चंद्र बरदाई, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चंद्र बरदाई किसकी रचना है? तो ये है पृथ्वीराज रासो की। और सारंगधर किसका है? तो सारंगधर भी क्या है? हमीर रासों की रचना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला भी, ये भी हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमारे गद्य में जो प्रथम जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उनमें यह रचना दिया भी है। तो चिंतामणि किसकी है? तो चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और अगला है साकेत किसका? तो साकेत मैथिली स्वरण गुप्त द्वारा रची गई रचना है। अगला है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है कि अब अयोध्या सिंह उपाध्याय का रचना है। अगला है यागा महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा का हमें कक्षा 9 में उनका जीवन परिचय देखने को मिला था हमारे चौथे चैप्टर में, जिसमें उन्होंने, इनकी एक बहुत बड़ी कहावत है, क्या नहीं देखिए उसकी उसको क्या मतलब है, हमें तो केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखना है। और आंसू बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का। और भारतीय शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखिए, ऐसे ही हमारे बाबू जयप्रकाश भारती का है, लेकिन इनका एक फैक्ट है कि इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, जितनी भी है, लगभग वो बापू जी के ऊपर ही है। यदि बापू जी के ऐसे थे, बापू के अलावा यदि कोई रचना है, तो एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर जरूर लगाइएगा। और अगला है भारतीय शिक्षा। और अगला है बट पीपल, ठीक है। बट पीपल किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। और ऐसे थे बापू किसकी है? जयशंकर प्रसाद भारती की। और सुरसागर सूरदास जी की। और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।